ये हर उस इंसान की राह है जिसे साईं बाबा से प्यार है, जो साईं बाबा का हो गया। शिरडी के कण कण में साईं है, जैसा चाहो जिस रूप में चाहो देख लो मेरे साईं को। कहते हैं शिरडी वह धाम है जहाँ श्रद्धा के आंसू पानी में मिल जाए तो पानी से भी दीप जल जाते हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवन माला में। भक्तों, कलयुग में भगवान श्री साईं नाथ की पूजा सबसे ज़्यादा असरदार बताई गई है। इनकी पूजा और पाठ करने से सबसे पहले फल प्राप्त होता है। कलयुग में साईं बाबा सबसे ज़्यादा चमत्कारी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए भक्तों, कलयुग में अगर आप साईं बाबा की भक्ति करते हैं तो आपके सारी परेशानी पल भर में दूर हो जाएगी, और इनकी पूजा करने से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा ही एक खास उपाय और एक खास मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे करने से आप साईं बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम आपको साईं को प्रसन्न करने के कुछ उपाय बताने वाले हैं, जिन्हें करने से बड़े दुखों से राहत पा सकते हैं। हमारे बहुत से भक्तों और दर्शकों का यह सवाल हमेशा रहता है कि औलाद कैसे होगी, धन प्राप्ति कैसे होगी, दुश्मन से मुक्ति कैसे मिलेगी, सौतन से छुटकारा कैसे होगा। इन सभी सवालों के साथ साथ आपके जीवन में कभी कभी इससे भी बड़ी परेशानी आ जाती है। तब आपका दिल और दिमाग में बस यही चलता है कि अब जिंदगी समाप्त होने वाली है, इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाएं। बहुत सी बड़ी परेशानी में, चाहे बड़े से बड़ा कर्ज ही हो, आपको लगता है कि तलाक होने वाला है, या आपको लगता है कि आपके हाथों कोई कानूनी गुनाह हो गया है, और आपके दिल में डर हो जाता है कि अब पुलिस पकड़ लेगी और आपको सजा हो जाएगी, इन्हीं सभी परेशानी से कैसे बाहर निकले, क्या करें ऐसा जिससे हमें छुटकारा मिल जाए, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम यह वीडियो बना रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर, घंटा बटन दबाकर साईं जीवन माला के इस चैनल के मंदिर में प्रवेश करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हम जो उपाय आपको बता रहे हैं यह साईं का उपाय है। साईं मतलब परमात्मा, और आप जिसे भी मानते हैं यह साईं उपाय आप अपने परमात्मा को मानते हुए करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको बहुत बड़ी मुसीबत है, मान लीजिए व्यापार नहीं है, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया है, या कोई घर से चला गया है, और आपको लगता है कि अब यह परेशानी समाप्त ही नहीं होगी, तो आप सभी साईं का यह प्रयोग करके देखिए, आपको राहत मिलेगी, 101% मिलेगी। अगर आप दिल से नहीं करते हैं यह उपाय तो आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। आप साईं से शिकायत तब ही करें जब आपने यह उपाय श्रद्धा से किया हो, सबूरी से किया हो, या विश्वास के साथ किया हो, तभी साईं बाबा आपको जरूर फल देते हैं। साईं भक्तों, आपको करना क्या है, साईं बाबा के समक्ष आपको एक ज्योत प्रज्वलित करना है, सरसों के तेल की हो या देसी घी की हो कोई परेशानी नहीं। जलाने के बाद 108 माला मतलब 108 बार आपको 108 बार आपको साईं बाबा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ जोड़कर ओम नमो श्री साईं प्रभु नमः, ओम नमो श्री साईं प्रभु नमः, ओम नमो श्री साईं प्रभु नमः, इस मंत्र को 108 माला आपको जपना है। और हाँ, यह काम आपको स्नान करने के बाद ही करना है। यह करने से
आपके अंतरात्मा में एक सूक्ष्म शक्ति निहित होगी और आपके घर में एक ऊर्जा का संचार होगा जो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएगा। अब आपको उसके बाद दूसरा काम यह करना है, आटा और शक्कर लेकर इसे आप रोज कीड़े मकोड़े को डालें। यह काम आपको रोज करना है, आटा और शक्कर कीड़े मकोड़े को खिलाना लाखों भंडारा खिलाने के पुण्य के बराबर है। अब आपको एक काम यह भी करना है, गुरुवार को जो साईं का वीरवार कहा जाता है उस दिन आपको एक सूखा नारियल लेकर साईं के चरणों में अर्पण करने के बाद उसे फोड़कर सभी घर के सदस्यों में प्रसाद वितरण कर दें। यह आपको हर गुरुवार को करना है और प्रतिदिन आपको साईं बाबा का साईं सच्चरित का एक पाठ पढ़ना है। अगर ना हो सके तो एक पेज ही जरूर पढ़ें और अवश्य पढ़ें। अगर आपके पास साईं चरित नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से शिरडी से साईं सच्चरित मंगा सकती हैं। यह सब करने से आपके सारे कष्ट साईं बाबा दूर कर देंगे। जोत और साईं बाबा का मंत्र की उच्चारण शक्ति से आपके घर में सूक्ष्म ऊर्जा प्रवेश करेगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अब आप साईं से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी परेशानी को दूर करें। अगर कोई रोगी है तो उसकी दवा को साईं बाबा के चरणों में अर्पण करने के बाद उसे पुनः खिला दें। देखिए कैसे साईं बाबा कृपा करते हैं। तो हमें और आपको अपनी उस शक्ति को जागृत करना है जब साईं ने, जब परमात्मा ने हमें और आपको बनाया था। इसे जागृत इन्हीं तरीकों से किया जाता है, जोत प्रज्वलित किया जाता है, उसकी अग्नि की लौ ऊपर की तरफ जाती है और कई देवी देवता के पास से गुजरती है और उनके समक्ष से जोत निकलती है तो वे समझ जाते हैं कि किसी भक्त ने यह आस्था की जोत जलाई है। पता नहीं कौन से देवी देवता कब आपको आशीर्वाद दे दे। नाम स्मरण करने से हमारी कुंडलानी जागृत होती है और कीड़े मकोड़े को खिलाने से बहुत बड़े भंडारे का फल हमें मिलता है। हजारों लोगों को जो आप खाना खिलाते हैं उसका फल सिर्फ कीड़े और मकोड़े को खाना खिलाने से प्राप्त हो जाता है। यह करने से आपके साईं के करीब होते जाएंगे और आपकी सारी परेशानी पल भर में दूर हो जाएगी। अगर साईं के इस वीडियो ने, इस उपाय ने अगर आपके जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन लाया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओम साई राम। आपके दिल को छुआ हो और इस वीडियो ने आपके दिल में थोड़ी भी जगह बनाई हो तो आप हमारे YouTube चैनल साई जीवन माला को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। और आप बने रहें साई जीवन माला के साथ। तब तक के लिए जय साई राम।